असल वेलकम टू सी एस टू ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग टुडे इज लेक्चर नंबर फोर्टी थ्री वी कंक्लूडेड आर डिस्कशन लास्ट टाइम ऑफ टेम्पलेट क्लासेस और मैंने आपको प्रामिस किया था कि अब हम एक कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल ले कर आगे चलेंगे और कोर्स को कंक्लूड करेंगे द एग्ज़ाम्पल देट वी हैव चोजन फॉर यू इज़ टू इम्प्लीमेंट द मेट्रिक्स क्लास वाई लेट्स टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट देखें अब हमने इतना कुछ सीख लिया है कि हम अपनी समझ लें कोड लाइब्रेरीज तैयार कर सकते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ इज़ अ मैथ लाइब्रेरी फिर मैथ लाइब्रेरी क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है उसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इम्प्लीमेंट कर लें हम चाहें तो मेट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कर लें हम चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर लें इस मतलब ये इट्स अ गुड प्रॉब्लम डोमेन टू वर्क विद मैट्रिक्स मैंने इस वास्ते चूज़ की कि इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं लैंग्वेज नहीं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट उनको हम यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल ट्रीट कर सकते हैं उनका इस्तेमाल आ सकता है अब जो हम करना चाह रहे हैं वो ये कि जी एक प्रॉब्लम पकड़ा और उसको एनालाइज़ किया फिर उसके डिज़ाइन के थ्रू गुजरे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जाएंगे सो so, आज का लेक्चर शायद आपको लगे कि जी हम मैथ पढ़ रहे हैं मैथ नहीं पढ़ रहे हम एक किस्म की प्रॉब्लम डेफिनेशन करने लगे हैं कोड एग्जांपल्स अगर आज टाइम हुआ तो आज उनको शुरू करेंगे वरना फॉलोइंग लेक्चर के अंदर हम इसकी कोडिंग की बात करेंगे सो अस लुक एट आर बेसिक डिज़ाइन रेसिपी आपका याद होगा उसके अंदर हमने एनालाइज़ भी करना है प्रॉब्लम डोमेन को फिर एनालाइज़ करने के बाद हमने कोशिश ये करनी है किसी तरीके से एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू उसको बिल्कुल आप क्लियरली स्टेट कर सकें प्रॉब्लम को और कोई एग्ज़ाम्पल्स अगर दे सकते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स वो भी दे दें उसके बाद हम चाहेंगे कि जी उसको एनालाइज़ करने के बाद हम उसका कुछ कोड लिखें फिर उसको टेस्ट करें एनालाइज़ करें फ़र्दर कि जी ये कोड ठीक काम करता है कि नहीं करता और फिर अगर उसमें कोई गलती या कोई शॉर्ट कमिंग रह गई है तो हम उसको अपना रिवाइज करें कोड को और स्ट्रक्चर कंप्लीट करें साथ साथ जो बिगनिंग में बहुत ज़्यादा कहता था बीच में कुछ ऐसा हो गया कहे रिमेंबर यू हैव टू पे अटेंशन टू डिटेल सो वी विल ट्राई टू डू दैट द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मैंशन ओवर हेयर इज़ कि जी हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू तो चलेंगे एक खास वर्जन ऑफ अ मेट्रिक्स लेके, लेके लेकिन ये जो अभी हमने टेम्पलेट्स की बातें की हैं टेम्पलेट्स भी आएंगी ये मैं पहले ही आपको बता दूं क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो एक बेसिक एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जो है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं डबल्स भी हो सकते हैं फ्लोट्स भी हो सकते हैं सो हम चाहेंगे कि एक टेम्पलेट क्लास बने सो लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिक्स एंड वॉट इट इज एंड वॉट इज द प्रॉब्लम डोमेन दैट वी आर वर्किंग विद देखिए मेट्रिक्स जो है दैट इज नथिंग बट अ टू डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर्स सो so, हम नॉर्मली उसको रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर लिखते हैं अब ये एग्ज़ाम्पल्स छोटा सा देख लें कि अगर एक मेट्रिक्स है और उसके अंदर ये नंबर्स हमने लिखे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व इट इज़ सिंपली अ मेट्रिक्स विच हैज़ थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स किसी भी एलिमेंट की बात करनी हो तो हमें बताना पड़ता है कौन सी रो और कौन सा कॉलम जो है उनके जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू की बात करते हैं otherwise we treat the whole matrix as one block matrices they are important because they are used in many many different problems problems real world unko matrices karne there is nothing very very complicated about them but i will lead you through the basic steps that we need to perform with the matrix so that you understand the concept a little bit क्योंकि ये टू डायमेंशनल एरे है आप बार बार सुनेंगे रो एंड कॉलम रो एंड कॉलम की बात हो रही और उसके लिए फॉर द मोमेंट हम आई और जे इस्तेमाल करेंगे सो यू शुड थिंक ऑफ आई एंड जे एज़ टू इंटीजर्स आई रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर एंड जे रिप्रेजेंटिंग द कॉलम नंबर ऑफ अ मेट्रिक्स अभी सी और सी प्लस प्लस की बात नहीं हो रही तो हम जीरो टू एन माइनस वन वगैरह की बात नहीं कर रहे हम रोज़ कहेंगे पहली रो दूसरी रो तीसरी रो एंड सो एंड सो फोर्थ मेट्रिकस के साथ किया क्या जा सकता है देखें अगर आपके पास दो मेट्रिकस हों उनको आपस में आप जमा कर सकते हैं अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी ऑर्डनरी नंबर के साथ आप उसमें एक नंबर जमा कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का मतलब बयान करना हमें पड़ता है वी हैव टू डिफ़ाइन वॉट द प्रॉब्लम इज बिफोर वी गो एंड वी सॉल्व इट So let us take a look at the various operations that we may want to perform with the matrix. The various operations that we would want to perform would be addition of two matrices, addition of a scalar and a matrix. Scalar, I mean an ordinary number. You have seen a little of this. We one number a scalar. Then have a vector, which is multiple scalars. And then we have a matrix, which is multiple vectors. तो हम स्केलर की जब बात करें इट मीनस एन ऑर्डिनरी नंबर सो ट्रीट इट एज सच सो वी वुड वॉन्ट टू एड टू मेट्रिसज टुगेदर यू वुड वॉन्ट टू एड अ स्केलर एंड अ मेट्रिक्स यू मे वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट टू मेट्रिस वन फ्रॉम अ नदर यू मे वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट अ स्केलर फ्रॉम अ मेट्रिक्स यू वुड वॉन्ट टू मल्टीप्लाई टू मेट्रिसज टूगेदर अब इन चीज़ों की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी आप ये भी चाहेंगे कि जी एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए हम ये भी चाहेंगे कि जी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ डिवाइड कर दिया जाए सो देर आर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लेकिन उनकी डेफिनेशन की ज़रूरत है उसके बाद स्पेसिफिकली मैट्रिक्स के हवाले से हम चाहेंगे कि जी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी कर लिया जाए ट्रांसपोज मीन्स रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना हम उसको ट्रांसपोज भी करना चाहेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं मेट्रिस के वो एक तो है मेट्रिक का इन्वर्स लेना और दूसरा है उसका डिटर्मिनट मालूम करना लेकिन उसमें हम अभी नहीं जाते क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है बात सो so, हमारा जो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि जी मैट्रिक्स एक क्लास होनी चाहिए और वो ये ये चीज़ें कर सके जो मैंने अभी गिनी हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ये कम अज कम होना चाहिए और ये दोनों चीज़ों के लिए मेट्रिक्स वर्सिस मेट्रिक्स एन मेट्रिक्स वर्सेस स्केलर के लिए होना चाहिए और फिर एक ऑपरेशन हम डिफाइन कर लेंगे ट्रांसपोर्ज का वो मेट्रिक्स के ऊपर एक्ट करता है नाउ इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस बिफोर वी गेट देयर वी शुड मे बी स्टार्ट डिफाइनिंग दिज ऑपरेशन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जो मैंने अभी बात की थी कि जी रो एंड कॉलम वाली टर्मिनोलॉजी इफ यू टेक टू मेट्रिस एंड बी द क्वेश्चन इज वो आपस में जमा हो सकती हैं कि नहीं पहली चीज़ दो मेट्रिस को आपस में जमा करने का मतलब क्या है और फिर ये कि जी जमा किया जा सकता है कि नहीं मतलब उसका ये है कि जो रिजल्टेंट मेट्रिक्स होगी सो पहली चीज़ वेन यू एड टू मेट्रिस द रिजल्टेंट इज़ अ मेट्रिक्स द रिजल्टेंट मेट्रिक्स का कोई एलिमेंट ले लें लेट से आई एथ रो एंड जीएथ कॉलम में जो एलिमेंट है इट रिप्रजेंट द सम ऑफ़ द कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इन द टू मेट्रिस विच मीन्स अगर सी आपकी मेट्रिक्स रिजल्ट आता है तो सी का आई एथ और जे एथ कॉलम रो एंड कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ए ऑफ आई जे इस तरह से लिखा जाता है कि जी एक मेट्रिक्स का नाम है और उसके सब्सक्रिप्ट में हम लिख देते हैं रो और कॉलम सो एफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे जो है यानी ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में जमा किया और सी के उसी रो और कॉलम में वो लिख दिया ये है एडिशन ऑफ टू मेट्रसीस सिर्फ इस डेफिनेशन पे अगर आप गौर करें तो एक चीज़ लाजिम हो गई वो ये कि ए और बी का साइज़ एक ही होना चाहिए यानी उनके रोज एंड कॉलम्स की तादाद जो है मस्ट बी आइडेंटिकल फॉर द मेट्रिस टू बी मेट्रिस टू बी एडब डेट मीन्स दे आर कॉन्फॉर्मेबल टू एडिशन उनको ऐड किया जा सकता है अगर उनके किसी एक मैट्रिक्स की ज़्यादा रोज़ हैं दूसरी की कम हैं तो आपस में ऐड नहीं हम कर सकते एक मैट्रिक्स से कॉलम ज़्यादा हैं दूसरे के कम हैं तो आपस में ऐड नहीं हो सकती सो द मेट्रिस मस्ट बी फॉर द सेम साइज़ टू बी एबल टू गेट एडिड टुगेदर एंड रिजल्ट इन एनदर मेट्रिक्स विच इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम साइज़ सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एडिशन जो है उसमें और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है लिहाजा सब्ट्रैक्शन अप्लाइज इन द सेम वे रिजल्टेंट मेट्रिक्स का कोई भी रो कॉलम पोजिशन पर जो एलिमेंट होगा इट विल रिप्रजेंट द डिफरेंस ऑफ द टू एलिमेंट्स ऑफ द मेट्रिस एंड बी विच लाए एट द सेम रो एंड कॉलम पोजिशन सो फॉर एग्जाम्पल रिजल्टेंट मेट्रिक्स के सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ ए मेट्रिक्स की सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट माइनस बी मेट्रिक्स की सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एन आफ कॉन्फॉर्मेबिलिटी वही है दोनों मेट्रिस का एक ही रो कॉलम स्ट्रक्चर होगा यानी एक ही साइज होगा तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है साथ हमने कुछ और चीज़ें भी इंप्लीमेंट करनी है इसके अंदर हम चाहेंगे कि जी मैट्रिक्स के अंदर स्केलर जमा किया जा सके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन वॉट इज मेंट इन दिस इंस्टेंस एडिंग अ स्केलर टू अ मैट्रिक्स। वट वी वुड वॉन्ट इज के ऑर्डिनरी एक नंबर जब हम किसी मेट्रिक्स के अंदर एड करते हैं तो उसके हर एलिमेंट के अंदर वो नंबर जमा कर दिया जाए सो इट इज़ एन एडिशन ऑफ दैट स्केलर टू एवरी एलिमेंट ऑफ द मेट्रिक्स इन एवरी रो कॉलम पोजिशन सेम थिंग अगेन अप्लाइज टू सब्ट्रैक्शन ऑफ अ स्केलर इफ वी सब्ट्रैक्ट अ स्केलर फ्रॉम अ मेट्रिक्स विच मीन वी सब्ट्रैक्ट एन ऑर्डिनरी नंबर फ्रॉम अ मेट्रिक्स वट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टेक अ नंबर ड फ्रॉम एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली सो आप देखेंगे जी, जो उससे मेट्रिक्स के साइज को कुछ नहीं हुआ वही रोज वही कॉलम्स रहे लेकिन हर वैल्यू जो है हर नंबर की वो बदल गई सो वी हैव नाउ डिफाइंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मेट्रिस एंड वी हैव डिफाइंड द एडिशन ऑफ अ मेट्रिक्स एंड अ स्केलर एंड द सब्ट्रेक्शन ऑफ अ स्केलर फ्रॉम अ मेट्रिक्स द नेक्स्ट वन डिवीजन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल जिस तरह से हमने बात की कि जी एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की हम कहते हैं इफ़ वी अ मैट्रिक्स बाय स्केलर वी आर गोइंग टू डिवाइड एवरी एलिमेंट ऑफ द मेट्रिक्स बाय दैट स्केलर सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x एक नंबर है विच इज एन ऑर्डनरी नंबर दे इट्स अ स्केलर और हमारे पास a एक मेट्रिक्स है तो a x एक्स यानी a डिवाइडेड बाय x को हम डिफाइन करेंगे कि इसका रिज़ल्ट अगर c मैट्रिक्स है तो c ऑफ ij यानी c मैट्रिक्स का आई रो और जे कॉलम पे जो एलिमेंट है वो a मैट्रिक्स के आई रो और जे कॉलम पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू लेके x से डिवाइड करके जो रिज़ल्ट आएगा वो इस जगह पे लिखा जाएगा सी मैट्रिक्स के अंदर सो द डिविजन ऑफ अ मेट्रिक्स बाय स्केलर वी आर डिफाइनिंग आई एम नॉट से मैथ्स वी आर डिफाइनिंग फॉर आर पर्पजेज वो इस तरह से डिफाइन होगी अब आ जाते हैं मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की तरफ ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पहले तो सिंपल काम कर लेते हैं वॉट अबाउट मल्टीप्लाइंग अ मेट्रिक्स विद अ स्केलर द कॉन्सेप्ट वी वॉन्ट टू यूज ओवर हेयर इज के अगेन इफ एक्स इज़ एन ऑर्डिनरी नंबर तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए विद कैपिटल ए लिखा जाता है नॉर्मली मेट्रिसिस के नाम हम कैपिटल्स में डिनोट करते हैं सो एक्स मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए विच इज़ द मेट्रिक्स मीन्स मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ द मेट्रिक्स विद दिस नंबर एक्स सो इट इज़ अगेन द सेम साइज बट एवरी नंबर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड सो दैट वुड बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मेट्रिक्स विद अ स्केलर नेक्स्ट पार्ट स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाइंग टू मेट्रिस टूगेदर इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए इसके अंदर हम करते ये हैं पहली मैट्रिक्स लेके उसका पहली रो ली और दूसरी मैट्रिक्स लेके उसका पहला कॉलम लिया इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट बाय एलिमेंट यानी पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम पहले रो वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो है दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ और जो इनका रिज़ल्ट आएगा उस सारे रिजल्ट को जमा कर देना है और जमा करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स में लिखना है कहाँ पे एक खास रो और कॉलम पोजिशन पर वो रो एंड कॉलम पोजिशन कौन सी है पहली मेट्रिक्स की रो नंबर और दूसरी मेट्रिक्स का कॉलम नंबर लेट मी रीकैप। आई नो इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कागज़ पे करें या तस्वीरें बना के करें दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आइएथ रो और जेअर्थ कॉलम के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है दैट वैल्यू व्हिच इज एन ऑर्डिनरी सिंगल वैल्यू अ स्केलर द आइथ रो जेथ कॉलम रिप्रेजेंट्स द डॉट प्रोडक्ट यानी एलिमेंट बाई एलिमेंट प्रोडक्ट और फिर उसका सम आयथ रो ऑफ द फर्स्ट मेट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई द जेथ कॉलम ऑफ द सेकेंड मेट्रिक्स वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू रियलाइज कि जी इन मेट्रिक्स के ऊपर कुछ लवाजमात हैं यू कॉन्ट जस्ट टेक टू मेट्रिस इन एक्सपेक्ट के वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्यों हमने कहा है कि जी पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है लिहाजा दोनों का साइज बराबर होना चाहिए यानी पहली रो के अंदर या पहली मैट्रिक्स की रो जो है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं ये एग्जैक्टली exactly उतने होने चाहिए जो कि दूसरी रो के एक कॉलम के अंदर एलिमेंट्स हैं ना अब आप सोचें कि जी एक कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वेल well, मैट्रिक्स के एक कॉलम के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितनी उसकी रोज हैं क्योंकि हर रो का एक एलिमेंट उस कॉलम को कंट्रीब्यूट कर रहा है टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट टू मेट्रिस कैन बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर इफ़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. सो अगर इधर पाँच कॉलम्स हैं तो इधर पाँच रोज़ होंगी तो इस तरह का प्रोडक्ट हम ले सकेंगे और फिर रिजल्ट कैसे मिलता है एक रो उठाएँ एक कॉलम उठाएँ उनको आपस में एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई करके जमा कर लें और वो जो भी रो और कॉलम पोजिशन थी रिजल्टेंट मेट्रिक्स वहाँ स्केलर वैल्यू लिखते हैं एंड यू गो डूइंग दैट फॉर एवरी रो एवरी कॉलम यू रियलाइज के रिजल्टेंट मेट्रिक्स जो है वो पूरी पॉपुलेट हो गई है सो वी विल बी डिवेलपिंग अ रूटीन टू मल्टीप्लाई टू मेट्रिस टुगेदर एक चीज़ सोचने वाली रह गई कि जनाब हमने तो बात कर दी कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मेट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मेट्रिक्स वो तो ठीक हो गया रिजल्टेंट मेट्रिक्स में कितने रोज एंड कॉलम्स होंगे वे अगेन इट मे बी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स लेकिन अगर आप तस्वीर बना के देखें तो जितनी रोज़ हैं पहली मैट्रिक्स में रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उतनी रोज़ होंगी और जितने कॉलम्स हैं दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उतने कॉलम्स होंगे सो इट इन मैथमेटिकल नोटेशन अगर पहली जो मैट्रिक्स है उसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं और दूसरी मैट्रिक्स जो है उसमें एन रोज हैं हैव टू बी द सेम एन कॉलम्स एन रोज़ और उसके अंदर पी कॉलम्स हैं तो जो रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसमें पहली रो वाली रोज़ होंगी यानी एम और दूसरी मैट्रिक्स वाले कॉलम्स होंगे यानी पी सो द रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन विल बी एम बाय पी एम रोज़ पी कॉलम्स लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथ बट ड्रॉ द पिक्चर एंड यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली

जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद एक जैसी है यानी थ्री रोज थ्री कॉलम्स इट्स अ स्क्यर मैट्रिक्स फोर रोज़ फोर कॉलम्स इट्स अ स्क्यर मैट्रिक्स फिर तो आपको लगेगा कि जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो इन अ वे उसका डायगनल अगर आप ड्रा करें टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक एक लाइन लगाएं तो वो एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं देखेंगे इस इंटरचेंज का इफेक्ट तो वही लगेगा कि पहली रो पकड़ी और उसको एज अ कॉलम लिख दिया फिर दूसरी रो पकड़ी उसको एज अ सेकेंड कॉलम लिख दिया तीसरी रो पकड़ी उसको तीसरा कॉलम लिख दिया तो थ्री बाई थ्री मेट्रिक जो है वो ट्रांसपोज हो जाती है स्क्ोयर मेट्रिस के अंदर तो ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है जब हम नॉन स्क्र मेट्रिक में जाते हैं यानी वो मेट्रिक जिसका रोज़ और कॉलम्स की तादाद एक जैसी नहीं है फिर कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली exactly यही है कि पहली रो पकड़ें और उसको कॉलम लिख दें पहला कॉलम बना दें dusri row pakne, dusra column bana de third row pakde third column and so on till the first matrix is finished what happens is the size of the matrix changes so if the first matrix was 3 rows and 4 columns the transpose will be 4 rows and 3 columns so it is simply writing the matrix like this we are transposing it this was basic matrix operations इनको हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे क्लास के अंदर ये जितनी अभी हमने बातें की कि मैं आपको डोमेन को डिफ़ाइन कर रहा था आप समझें ये हमारा अनालिस के फेज़ का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी समझ होना लाजमी है वी हैव एनालाइज द प्रॉब्लम डोमेन एंड वी हैव अंडरस्टूड वॉट अ मेट्रिक्स इज वाट इट्स ऑपरेशन आर दैट वी वुड वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दे आर इम्पोटेंट ऑपरेशन जो हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एंड नाव वी गो ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द एनालिसिस एन वी से जी इसमें कॉन्स्टेंस क्या इस्तेमाल होने हैं हमारे प्रॉब्लम के अंदर इसमें मेमरी कैसे एलोकेट होनी है या कितनी मेमरी चाहिए इसका इंटरफेस क्या होगा सो लेट आस टॉक ऑफ दीज इश्यूज़ वन बाय वन हम जो मेट्रिक्स क्लास डिफाइन करने जा रहे हैं हम चाहेंगे कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं तो उस वक्त इसके लिए मेमरी एलोकेट हो यानी शुरू से लिखते वक्त हमें नहीं पता कि इसमें कितने रोज़ होने हैं और कितने कॉलम्स होने हैं सो वी डोंट नो दैट एज अ रिजल्ट वी डोंट नो ऑफ एनी कॉन्सटेंस दे फॉर आर क्लास डज नॉट यूज़ एनी कॉन्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मेमरी एलोकेशन वेल द मेमरी एलोकेशन वी आर गोइंग टू डू डाइनामिकली जब आपने क्लास को बता दिया कि तुम्हारे एम रोज़ हैं और एन कॉलम्स हैं तो फिर वो जाए और किसी तरीके से अपने लिए मेमरी एलोकेट करें सो वी हैव लुकड ऐट द प्रॉब्लम डोमेन एंड वी लुकड ऐट द कॉन्स्टेंस एनालाइज किया नहीं चाहिए वी लुकड ऐट द मेमरी एलोकेशन नहीं चाहिए छोटी मोटी होगी वह हम डाल लेंगे और हम रन टाइम के ऊपर मेमरी एलोकेट करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू थिंक ऑफ द इंटरफेस याद रहे जब भी हम क्लास डिफाइन करने जाते हैं वे टॉकिंग ऑफ इंटरफेस वोकिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और बार बार मैंने आपको बताया कि इंटरफेस वो चीज़ है जो हमारी क्लास बाहर वाली दुनिया को दिखाती है इन अदर वर्ड्स क्लाइंट्स ऑफ द क्लास विच मीन्स प्रोग्राम्स दैट यूज दिस क्लास उसको क्या नज़र आता है वो इस क्लास के साथ क्या कुछ कर सकता है सो वी नाउ गो एंड ट्राई टू डिफाइन एन इंटरफेस फॉर दिस क्लास लेट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स फॉर द मेट्रिक्स वी विल नीड अ कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर तो चाहिए अगर हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं और कंस्ट्रक्टर को क्या चीज़ पास होनी चाहिए वेल well, मैंने कहा कि जिसमें कॉन्सटेंट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कम अज़ कम कंस्ट्रक्टर को आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो बता सकें सो अ कंस्ट्रक्टर विल बी अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दैट विल टेक टू इंटीजर्स रो एंड कॉलम एंड देन विल एलोकेट द एडिकुएट अमाउंट ऑफ मेमोरी यू विल नोटिस कि मैंने इंटीजर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया वेल well, वाई Look, the number of rows and columns will always be a whole number. It is an int. It does not matter that the matrix elements in the matrix. They may be doubles, they may be floats, but the number of rows is an int, the number of columns is an int. whole number. So, it could even be a long. Nonetheless, we need a parameterized constructor, and the parameters will be the number of rows and columns of the matrix. Iskai lava? हमें कोई तरीका चाहिए कि जी हम मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर सकें कम से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए सो विल हैव अ डिस्प्ले फंक्शन जो कि नीटली फॉर्मेटेड मैट्रिक्स बना सके आप नोटिस करेंगे ये मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वी ऑलरेडी हैव कवर्ड समेयर अलॉन्ग द कोर्स कोई ना कोई एक्सरसाइज हम करते रहे हैं आज हम उस सारी एक्सरसाइज को समेट रहे हैं एंड वी ट्राइंग टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर सो वी विल पुट इन अ डिस्प्ले फंक्शन देन वी नीड सम मैनिपुलेशन फंक्शंस मैनिपुलेशन फंक्शंस के अंदर जो अभी मैंने मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात की थी उन ऑपरेशंस के लिए हमें ऑपरेटर्स चाहिए ऑपरेटर्स का ज़रा सोचने लगें तो क्या होगा दो मेट्रिस को हमने आपस में ऐड करना है ऐड करना है तो हमें एक प्लस ऑपरेटर चाहिए बिकॉज वी वुड वॉन्ट टू राइट ए प्लस बी नॉट मेक अ फंक्शन कॉल दिस प्लस ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन टू मेट्रिस विल बी अ मेम्बर ऑपरेटर यानी उसके लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है और फिर राइट right साइड पे एक मैट्रिक्स उसको पास की जाती है तो हम चाहें तो इसी वक्त इंटरफेस एनालिसिस में लिखते जाएं कि जनाब ये ऑपरेटर इसको क्या नज़र आएगा और ये वापस क्या करेगा ये वही बात है जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वॉट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन वॉट इज़ पास टू दिस फंक्शन एंड देन वी से वॉट दिस फंक्शन विल डू So here we are talking of a plus operator, which is going to be a member operator of the of the matrix class. And we have to think in terms of ki ji is ko call matrix So that's the left hand side, then comes the plus and right hand side baby matrix here Return kya karta hai? Well, we want to add two matrices and get a matrix in return. So the return type is also a matrix. So the member operator will take one matrix. विच इज़ द सेकेंड वन क्योंकि पहली वाली तो उसको कॉल कर रही है वो दिस पॉइंटर के थ्रू वहाँ पहुँच जाएगी सेकेंड मेट्रिक्स उसको मिलेगी एज एन आर्गूमेंट और दोनों को एड करके उसने एक मेट्रिक्स ही वापस करनी है सेम थिंग अप्लाइज टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मेट्रिक ए माइनस बी द होल सेम स्टोरी इट्स अ मेम्बर ऑपरेटर इट हैज़ अ मेट्रिक्स ऑन वन साइड अ मेट्रिक्स ऑन द अदर एंड इट रिटर्न अ मेट्रिक्स

एक स्केलर हो रहा है स्केलर मे बी एन इन डबल फ्लोट वील वरी अबाउट दैट लेटर और फिर हमने जमा करके रिटर्न क्या करना है एक और मेट्रिक्स सो द फर्स्ट इंस्टेंस वी गॉट एन ओवरलोड ऑफ द प्लस ऑपरेटर रिटर्न अ मेट्रिक्स इज कॉल्ड बाय अ मेट्रिक्स इट्स अ मेम्बर ऑपरेटर बट इट एक्सपेक्ट्स अ नंबर एन ऑर्डिनरी स्केलर एज एन आर्गूमेंट एंड अगेन वी विल नॉट स्पेसिफाई वॉट नंबर विल कम टू दैट लेटर बट दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन यहाँ पे एक तरफ मैट्रिक्स है और एक तरफ स्केलर है इसकी भी दो वैराइटीज़ हैं वैराइटीज़ क्या हैं ए प्लस एक्स एंड एक्स प्लस ए अब याद करें कि जी एक्स प्लस ए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ एक्स जो है वो स्केलर है और ए जो है वो मेट्रिक्स है द क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज कैन दिस बी अ मेम्बर ऑपरेटर एंड बाय नाउ आई होप यू रियलाइज कि x प्लस ए जो है जहाँ पे x स्केलर है वो वाला प्लस मेट्रिक्स क्लास का मेम्बर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता भाई उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है जो प्लस को ड्राइव कर रही है वो स्केलर है अगर वो स्केलर है तो फिर ये किस किस्म का ऑपरेटर होगा इट विल बी अ फ्रेंड ऑपरेटर सो इट्स अ फ्रेंड फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास वहाँ पे आप डिफाइन करेंगे एक प्लस ऑपरेटर जो कि आर्गुमेंट एज एज एन आर्गुमेंट मैट्रिक्स एक्सेप्ट करे और उसको ड्राइव कर रहा हो एक कोई और नंबर मे बी एन इंट डबल फ्लोट और समथिंग लाइक दैट सो इट्स एन एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन उसके दो आर्गुमेंट्स होंगे पहला आर्गुमेंट ऑर्डनरी स्केलर दूसरा आर्गुमेंट मेट्रिक्स उनको आपस में जमा करेगा एज पर द रूल्स डिफाइंड इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन जो हमने पहले एनालिसिस किया है कि जी स्केलर का मैट्रिक्स के साथ जमा करने का मतलब क्या होता है और फिर उसने रिटर्न क्या करना है रिटर्न करनी है मैट्रिक्स यहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन करेंगे लेकिन मैट्रिक्स क्लास के अंदर इस फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर करेंगे सेम थिंग अप्लाइज वेन वी गो टू सब्ट्रैक्शन कि ए माइनस बी वेयर ए एंड बी व मेट्रिस वहाँ तो मसला कोई नहीं है वो मेम्बर ऑपरेटर चलेगा लेकिन a माइनस एक्स जहाँ पे एक्स स्केलर है और ए मैट्रिक्स है वहाँ पे ए माइनस एक्स में तो मेंबर ऑपरेटर काम करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स लिखी हुई है लेकिन जब हम एक्स माइनस ए करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रेंड ऑपरेटर चाहिए होगा फ्रेंड फंक्शन चाहिए होगा क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड पर स्केलर आ गया है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफ़ाइन अगर आप सोचें मैंने इसकी बात नहीं की थी बट वी माइट माइटर्स वेल डिफाइन इट फॉर कम्प्लीटनेस कि एक्स माइनस ए जो है वो एक्स में से हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो और रिजल्टेंट मेट्रिक्स बन जाएगी सो एन अदर फ्रेंड फंक्शन कम्स इन नाउ वी गो ऑन टू मल्टीप्लीकेशन ये सब इंटरफेस की बात हो रही है मल्टीप्लीकेशन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे स्टार विच इज़ द स्टैंडर्ड एस्टरिस्क जो की बोर्ड पर है हर दफ़ा हम प्रोग्रामिंग में स्टार इस्तेमाल करते हैं सो मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में भी स्टार इस्तेमाल करना इज वैलिड अब ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए स्टार बी ये ऑपरेशन अभी मैंने आपको कुछ तफसील से एक्सप्लेन किया कैसे किया जाता है पहली रो को पहले कॉलम के साथ दूसरी रो को दूसरे कॉलम एंड सो एंड सो फोर्थ बट व्हाट वी टॉकिंग ऑफ हियर इन टर्म्स ऑफ द इंटरफेस ये जाएगा कहाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है लिहाजा ये मेंबर ऑपरेटर है फिर ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स की बारी आ जाती है अब मेट्रिक मल्टीप्लाइड बाय स्केलर लेफ्ट हैंड साइड पर मेट्रिक्स है लिहाजा A star x wala operator, it is an overload of the star, any multiplication operator, but it is a member function. It is a member of the class matrix. But ISKA counterpart, which is x star a, where x is a scalar and a is a matrix, is not a member operator because the thing on the left hand side happens to be a scalar. So, x star a again has to be a friend function defined outside the class and declared as a friend inside. ये आपके वर्जन आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन के लिए हमने थोड़ी सी जिंदगी आसान रखी है हमने कहा जी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर के साथ डिवाइड हो सकती है दिस ओनली वन डेफिनेशन सो मैट्रिक्स ए स्लैश एक्स की डेफिनेशन इज़ हर एलिमेंट को एक्स के साथ डिवाइड करना है और ये जो है क्योंकि ए पहले आ रहा है फिर स्लैश आ रहा है विच इज़ द डिवीजन सिम्बल हम कहेंगे ये मेम्बर ऑपरेटर है ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे इंटरफेस के इसके अलावा हमने बात की थी ट्रांसपोज करने की तो ट्रांसपोज जो है वो एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करती है और दूसरी मैट्रिक्स उसका रिज़ल्ट होता है और ट्रांसपोज के अंदर मैंने भी ये भी जिक्र किया कि मैट्रिक्स के डायमेंशनस बदल सकती हैं लिहाजा औरजनल मेट्रिक्स को छोड़ के हम कोई नई मेट्रिक्स बनाएंगे और फिर औरिजनल मेट्रिक्स को वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे विन वी से ट्रांसपोज अ मेट्रिक्स हम चाहेंगे कि वही मेट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाए किसी तरीके से या रिजल्टेंट दे दे हम असाइन कर सकें यह हमारा बेसिक रूडिमेंट्री इंटरफेस बनता है सो ट्रांसपोज इज़ अ फंक्शन एंड इट्स अ मेंबर फंक्शन लेकिन दिस इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर वी स्टिल हैव अ फ्यू मोर थिंग्स टू कवर टू कंप्लीट द इंटरफेस द अदर थिंग्स दैट वी डू नीड टू कवर इज़ द फैक्ट दैट कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू एंड सो ऑन बट दे रिक्वायर द असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर क्योंकि ये एक क्लास है जो कि डायनामिक मेमरी एलोकेशन कर रही है तो हम इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर भी डिफाइन करना चाहेंगे यानी हम कह सकें एक्ल बी जहाँ ए और बी दोनों मेट्रिस हैं सो इट्स अ मेम्बर ऑपरेटर बट देर अ पर्टिकुलर थिंग दैट वी नीड टू डू फॉर असाइनमेंट वी विल कवर दैट वन वी कम इन टू द कोड हमारे पास अगर प्लस भी है और इक्वल टू भी है तो फिर प्लस इक्वल टू डिफ़ाइन करना आसान हो जाता है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं बाय री कोड जो कि हमने प्लस ऑपरेटर के लिए लिखा और इक्वल्स ऑपरेटर के लिए लिखा सेम अप्लाइज टू माइनस इक्वल टू आई डोंट नो वैदर वील बी एबल टू अप्लाई टू स्टार इक्वल टू और नॉट अभी तक हम सिंपल ही रखते हैं हम प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू रख लेते हैं फिर कुछ और यूटिलिटी ऑपरेटर्स हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे हम चाहेंगे कि जी स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स जो हैं वो भी डिफाइन कर लिए जाएँ इस क्लास के लिए स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मींस स्ट्रीम से चीज़ें लेनी और अपने ऑब्जेक्ट में डालनी विच मींस इट इज़ द ग्रेटर देन ग्रेटर देन ऑपरेटर इसके अंदर भी आप सोचें क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड पर सी इन होता है हमारी इनपुट स्ट्रीम होती है राइट हैंड साइड पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा यानी मेट्रिक्स का ऑब्जेक्ट होगा लिहाजा इट इज़ इट्स एन ऑपरेटर जिसके लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स नहीं है सो so अगेन ये मेंबर ऑपरेटर नहीं हो सकता इट हैज़ टू बी अ फ्रेंड सेम अप्लाइज टू अ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यानी वो ऑपरेटर जो कि मैट्रिक्स को ले और स्क्रीन पे दिखा दे क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट साइड पे सी आउट आ जाता है या आउटपुट स्ट्रीम आती है तो जब आउटपुट स्ट्रीम आती है फिर लेस दैन लेस दैन एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मेट्रिक्स दैट मीन्स इट कैनॉट बी अ मेम्बर ऑपरेटर इट हैज़ टू बी अ फ्रेंड ये हम एक इंटरफेस एनालिसिस कर लेते हैं आपको हैंडआउट्स में भी मिल चुका हुआ है पूरी लिस्ट और साथ साथ हमने ये डिटरमिन करते जाना है कि जना कौन सी चीज़ मैट्रिक्स क्लास के मेम्बर है यानी अंदर डिफाइन करनी है और कौन सी चीज़ जो है वो फ्रेंड है या मैट्रिक्स क्लास से बाहर डिफाइन होगी साथ, साथ जहाँ पर भी फंक्शन या ऑपरेटर्स की बात हो रही है मैंने पहले भी जिक्र किया था वी शुड एक्चुअली गो ओवर दैट लिस्ट एंड सी के जी इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी और इसको आर्गूमेंट क्या पास होगा सो लेट अस रिव्यू दैट लिस्ट वन बाय वन ऊपर से नीचे तक टू डिटर्मिन दीज एक्स्ट्रा इश्यूज। सो लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल द एडिशन ऑफ टू मेट्रिक रिटर्न टाइप मेट्रिक्स आर्गूमेंट मेट्रिक्स सिंपल इनफ नेक्स्ट एडिशन ऑफ अ मेट्रिक्स विद स्केलर रिटर्न टाइप मेट्रिक्स आर्गूमेंट स्केलर ये है मेंबर वर्जन ऑफ द प्लस ऑपरेटर फ्रेंड फंक्शन प्लस जो है उसमें स्केलर पहले आएगा मैट्रिक्स बाद में रिटर्न टाइप मैट्रिक्स आगुमेंट मैट्रिक्स माइनस के लिए यही सारी चीज़ें मेंबर ऑपरेटर ए माइनस बी जहाँ पे लिखेंगे जहाँ ए और बी मेट्रिस हैं रिटर्न टाइप मेट्रिक्स आगुमेंट मेट्रिक्स यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं लेट मी कवर समथिंग एल्स जो कि इम्पॉर्टेंट है सोचने के लिए मैट्रिक्स हमने बात की कि जी रोज एंड कॉलम्स के साथ उसके अंदर हमने नंबर लिखे हुए हैं लिहाजा ये एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर है इसने मेमोरी लेनी है जब भी ये हम ऑपरेटर्स और फंक्शंस की बात कर रहे हैं और मैट्रिक्स इनको भेज रहे हैं और मैट्रिक्स हासिल कर रहे हैं वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एफिशेंसी एज वेल शुड वी पास अ मैट्रिक्स रिमेंबर आर लास्ट लेक्चर टॉकिंग अबाउट द स्टैक ये वही स्टैक है जिसपे एलिमेंट्स डाले जाएंगे और जिससे एलिमेंट्स उठाते जाएंगे शुड बी पास अ मेट्रिक्स विच मे टर्न आउट टू बी अ फेयरली इनफिशेंट ऑपरेशन और कैन वी डू विद पासिंग अ रेफरेंस टू द मेट्रिक्स नॉर्मली ऑल ऑफ दीज ऑपरेशन विल यूज रेफरेंस वी विल पास रेफरेंसेज और हम चाहते हैं अगर कि जी जो मेट्रिक्स पास हो रही है वो चेंज ना हो सके तो उसको कॉन्स्ट रेफरेंस बना देंगे अ कॉन्स्टेंट रेफरेंस सो वी विल यूज रेफरेंस एक्सटेंसिवली सो नोटिस वी आर एक्सपेंडिंग अ वैबुलरी जो कुछ आज तक हमने सीखा था वो आहिस्ता आहिस्ता बीच में आने लग पड़ा है फ्रेंड फंक्शंस आ चुके हैं रेफरेंसेज आ चुके हैं ओवरलोडिंग आ चुकी है सो वी विल डिवेलप दीज कॉन्सेप्ट गोइंग ऑन माइनस कवर हो गया जब मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं रिटर्न टाइप मेट्रिक्स ए स्टार बी विल रिटर्न अ मेट्रिक्स आर्ग्यूमेंट मेट्रिक्स जब हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने जाते हैं ए स्टार एक्स रिटर्न टाइप मेट्रिक्स आर्गूमेंट अ स्केलर विच मे बी एन इंट अ डबलोट वी विल डिटर्म इन दैट लेटर वेन वी गो टू द सेकेंड वर्जन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एक्स स्टार एर एक्स इज अ स्केलर रिटर्न टाइप मेट्रिक्स आर्गूमेंट मेट्रिक्स नाउ वेन एवर ऐसे रिटर्न टाइप या आर्गूमेंट We can start thinking reference We will always have a reference, or we may use an actual matrix. We'll come to that when we discuss the code. The division operator, simple enough, A divided by X, return type matrix, argument a scalar. Like in agar agarchahe to hum note karly, otherwise code likhte vak note kiya jaga, x cannot be zero. You do not want to have a divide by zero error. So maybe this operator should do a check and make sure that the thing we divide dividing is not zero. After that, we talked about transpose. It's a function, return type matrix, and is being called, so it's a member function. There is no argument to nahi hai, You can transpose a matrix on its own. Um, we have basically discovered or done an analysis of the entire problem from beginning to end. और अब हम चलेंगे इसको कोड करने की तरफ बट लेट रिव्यू आर स्टेप्स पहली चीज़ ये थी कि हमने प्रॉब्लम डोमेन को समझा प्रॉब्लम डोमेन को समझने की ज़रूरत जो है वो आपको बार बार पेश आएगी रिमेंबर ये कोर्स जो है ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है नॉट इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स और इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव यू आर द पर्सन हु आर गोइंग हु इज गोइंग टू बी इक्विप्ट विद नेसरी टूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बट द प्रॉब्स मे नॉट फॉल विद इन योर ओन डोमेन शायद आपका क्लाइंट कोई डॉक्टर हो जो कहे कि जी मेरे पेशेंट रिकॉर्ड्स में स्टोर करने हैं पेशेंट रिकॉर्ड्स में वो कहे मैंने एक्सरे स्टोर करनी है ना आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए लेकिन उसका डोमेन समझने के लिए आपको क्लाइंट के साथ भी बैठना पड़ेगा उसका ब्रेन खाना पड़ेगा पिक करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू एनालाइज़ कि जी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसका प्रॉब्लम किस किस्म का है बैंकर के साथ बैठ जाते हैं या अकाउंटेंट के साथ बैठ जाते हैं तो आपको डेबिट क्रेडिट सीखना पड़ेगा यहाँ पर हमने प्रॉब्लम डोमेन वो चूज़ किया हुआ है सिंपल मैथ के अंदर से बेसिक मेट्रिस बट नान द लेस वी हैड टू एनालाइज द प्रॉब्लम डोमेन एंड अंडरस्टैंड क्या चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जब हमें प्रॉब्लम की समझ आ गई विच इज़ द फेज़ वन ऑफ द एनालिसिस उसके बाद हमने उसकी लवाजमात की तरफ गौर किया कि जनाब इसको कोई कांस्टेंट्स चाहिए इसको मेमोरी एलोकेशन चाहिए शुरू में कर देंगे डायनामिकली करेंगे कब करेंगे फिर हमने कहा इसका इंटरफेस क्या होगा बाहर की दुनिया को क्या नज़र आएगा इंटरफेस पे चलते चलते मैं दो आपको क्लियर करता जाऊँ एक इशू ये है कि जब हम ये मेट्रिक्स क्लास बना लेंगे और इसके ऑब्जेक्ट्स हम तश्ील करेंगे वो एक और प्रोग्राम कर रहा होगा जिसको हम अपना मेन प्रोग्राम कहते हैं या कोई और फंक्शंस लिख के वो मेट्रीसीज को इस्तेमाल कर रहे होंगे उन प्रोग्राम्स का जो इंटरफेस है जो यूज़र को नज़र आएगा स्क्रीन पे जी ए दबाओ तो ये होगा बी दबाओ तो वो होगा वो डिफरेंट इशू है वो उस प्रोग्राम का इंटरफेस है यहाँ पर जब हम क्लास के हवाले से इंटरफेस की बात कर रहे हैं इट मीनस क्लाइंट्स ऑफ द क्लास को क्या नज़र आएगा एंड द क्लाइंट्स आर अदर प्रोग्राम्स या क्लाइंट्स ऑफ द क्लास किस किस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं

वो याद रखना चाहिए क्योंकि जब कोड लिखने जाएंगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे हम सो फॉर द मोमेंट वी डिड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सटेंस एंड मेमरी रिक्वायरमेंट्स एंड देन वी हैड अ लिस्टिंग ऑफ द वेरियस इंटरफेस फंक्शन दैट वी वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अब जो हमारी मेट्रिक्स क्लास है इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करते चलते हैं ताकि वो हमारे ख्याल में रहे जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे देखें शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि इसके रोज़ एंड कॉलम्स भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू बताएंगे कि कितने रोज़ की मैट्रिक्स और कितने कॉलम्स की मैट्रिक्स हमने बनानी है और फिर जब ये रोज़ एंड कॉलम्स कंस्ट्रक्टर को दे देंगे तो हम कहेंगे जाओ इसके लिए मेमोरी एलोकेट करो और मेमोरी एलोकेट किस किस्म की करनी है डिपेंड्स कि हमने इंट की मैट्रिक्स बनानी है डबल की बनानी है एंड सो ऑन ये बातें मैंने इस वास्तें की कि ये एक क्लास है जिसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है अब सीधा सीधे बात आप पुरानी बात करें जो हम याद करें बातें जो हमने डिस्कस की थी कि जब भी क्लास के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग स्पेशल फ़र्स्ट थिंग इज़ इट हैज़ टू हैव अ कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ने मेमरी एलोकेट करनी है उसके बाद जहाँ पर भी डायनामिक मेमरी एलोकेशन हो रही है तो उसको फ्री भी करना है लिहाजा इसका डिस्ट्रक्टर भी होगा जो कि मेमरी को फ्री कर सके वी डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम मेमरी एंड मेक इट अनयूज द अदर थिंग इज असाइनमेंट ऑपरेटर हैज़ टू बी अ स्पेशल वन यू कान डू अ शैलो कॉपी यू कान डू कि जी वो एरे का नाम कॉपी कर दो इन अदर वर्ड्स पॉइंटर कॉपी कर दो तो देन इट विल बी पॉइंटिंग टू द सेम मेमरी लोकेशन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एलोकेट अ डीप कॉपी इसी कॉपी के हवाले से यू ऑल्सो वॉन्ट टू हैव a so called copy constructor or copy constructor wo hai, given a matrix make a new matrix based on this one so you initialize a new matrix based on an existing matrix so we will do a copy constructor we will do an assignment operator that does a deep copy and we have to worry about memory allocation and memory deallocation next lecture we will start worrying about

ये जरूर मैंने कमेंट किया कि जी रोज इन कॉलम्स क्योंकि हमेशा होल नंबर्स ही होंगे तो कन्वीनियंस के लिए हम उनको इंटीजर्स बना लेते हैं यू विल सी वे दिस डिस्कशन इज गोइंग सिंस एवरी थिंग एल्स अबाउट दिस क्लास इज द सेम आई वुड वॉन्ट टू राइट दिस कोड वंस एंड यूज इट टू डिक्लेयर अ मेट्रिक्स ऑफ इंटीजर्स और अ मेट्रिक्स ऑफ डबल्स और अ मेट्रिक्स ऑफ फ्लोट्स

देखें बार बार हमने बीच में स्केलर की बात की है जब भी स्केलर की बात आई तो स्केलर बीइंग एन ऑर्डिनरी नंबर वो बजाते ख़ुद भी इंट हो सकता है डबल हो सकता है फ्लोट हो सकता है सो व्हाट डू वी डू वी कैन स्टार्ट ओवरलोड, 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 ओवरलोड करते जाएं। हर चीज़ के लिए इंट डबल फ्लोट इंट डबल फ्लोट इंट डबल फ्लोट, फ्लोट फंक्शंस डिफाइन करते जाएं किस किस चीज़ के लिए देखें हमने एडिशन ऑफ अ स्केलर की है मैट्रिक्स प्लस स्केलर स्केलर प्लस मैट्रिक्स, दो ये हो गए तीन किस्म के नंबर्स आ गए इंट फ्लोट डबल, और उसके आपके पास छः को फंक्शंस बन गए फिर माइनस पे आ जाएं, मैट्रिक्स माइनस स्केलर स्केलर माइनस मैट्रिक्स, फिर आपके पास ये फंक्शंस आ गए ये सब ओवरलोड हो रहे हैं कोई मेंबर के तौर पे कोई फ्रेंड के तौर पे फिर आप आ जाएं मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्केलर स्केलर मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स Again you have this member and friend concept, but you have three different types of numbers and you have three different types of matrices that you could make. functions What we are going to do is to try to templatize the whole thing. Functions will become template functions. Write one function that if one number and one matrix then what will be its behavior? उसको इंस्टेंशिएट जब करने जाएंगे तो हम बताएंगे किस किस्म का नंबर कंपाइलर जो है वो हमारे लिए पूरे टेम्पलेट से एक कॉपी एक छापा उसका डेवलप कर लेगा एंड वी वोंट हैव टू वरी अबाउट राइटिंग सिक्स डिफरेंट फंक्शंस डूइंग द सेम थिंग सो हियर इज वेयर वी आल्सो गोइंग टू यूज़ टेम्पलेट क्लासेज एंड टेम्पलेट फंक्शन सो वी एक्चुअली आर गोइंग टू एक्सरसाइज एवरी

आप नंबर पढ़ते जाएं सो ए दे आर नेस्टेड लूप्स ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सरसाइज होगा डिस्प्ले डिस्प्ले के लिए अगेन यू वुड हैव लूप्स यू कुड हैव नेस्टेड लूप्स यू कुड हैव सिंपल लूप्स ना वन ऑफ़ द थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग वन डिज़ाइनिंग और डिवेल्पिंग दीज लेक्चर्स द इशू वॉज कि जी क्लास मेट्रिक्स को जस्ट नंबर्स के ऊपर बेस कर लें या इसको किसी और क्लास के साथ इस्तेमाल करते हुए मैट्रिक्स की क्लास बनाएं उसमें एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूँ वी कुड हैव टेकन अ डिफरेंट अप्रोच द अप्रोच वुड हैव बेन कि जी आप क्लास रो डिफ़ाइन कर लें रो क्या है इट्स अ सिंपल एरे ऑफ नंबर्स उस पर सारे ऑपरेशन डिफ़ाइन कर लें और फिर मेट्रिक्स आते वक्त मेट्रिक्स बनाते वक्त हम कहें कि इसमें इतनी रोज़ हैं क्योंकि रो में बजाते ख़ुद नंबर्स हैं सो जब आपने कहा कि इतनी रोज़ हैं तो हर रो के साथ कॉलम खुद ही बन गया it would have been a matrix but it would have been a different approach i did not want to add that additional level of complexity because that will come when you go into object oriented programming then you will also learn inheritance and polymorphism and things like that virtual functions this course main the concept is basic programming so we are going to use as many constructs as we can within a single class to give you a workable code and maybe it is a class that you file away in your library and you use it again and again the complex number class would have been too simple uh, the matrix class exercises most of the programming constructs so it is a good example it does also lead us towards template functions and classes so it is an area where we could even exercise that concept so it is a good example dafa. हम इसके ऊपर इसके एक्चुअल कोड डेवलपमेंट की बातें करेंगे द कोड डेवलपमेंट इट्सल्फ विल टेक प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर हमने आज प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है एंड देन नेक्स्ट टाइम इस एनालिसिस को हम लेके आहिस्ता आहिस्ता एक एक मॉड्यूल डेवलप करते जाएंगे जो हमारा क्लास स्ट्रक्चर और जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे कि हर मॉड्यूल जो है वो बिल्कुल छोटा सा है इट वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड वी डोंट हैरी अबाउट पेजेज एंड पेजेज ऑफ कोड दिस अगेन गोज बैक ऑल द वे टू द बिगिनिंग ऑफ द द कोर्स वेर वी सेड कि जी एक बड़ा सा प्रॉब्लम लेके उसके छोटे छोटे इंडिपेंडेंट हिस्से कर दिए जाएँ जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लेकिन हर हिस्सा जो है दैट्स अ स्मॉल स्टैंड लोन पीस ऑफ कोड दिस विल भी द मैंम्बर फंक्शनज एंड द फ्रेंट फंक्शन एंड द मैंबर ऑपरेटर्स एंड द फ्रेंट ऑपरेटर्स वी विल भी डिफाइनिंग इन आर कोड So next time we will start talking about the code for this class matrix. Till that time, Allah Hafiz.